Assalamualaikum, it's Hadia Ghadeeb from Rasa.com. तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो पाकिस्तान का पहला स्मार्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी और इसको NOC भी मिल चुका है। इसको स्मार्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे दी हुई फैसिलिटीज IoT बेस्ड है, यानी कि वो इंटरनेट के थ्रू फंक्शन करती है। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और M2 टोल प्लाजा से सिर्फ चंद मिनट की मुसाफत पर पाया जाता है। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना है तो उसके माजी पे किए जाने वाले कारनामों पर रोशनी डाली जाए, और ये बात रियल इस्टेट की दुनिया में भी उतनी ही माने रखती है। हबीब रफीक जो कि एक अमल पायकारदार है और जिसने पिछले 50 साल में अपनी मेहनत और लगन के साथ खूब नाम कमाया है, और अब उसी मेहनत और लगन के साथ वो FTHL के साथ मिलकर कैपिटल स्मार्ट सिटी पर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने वाली कंपनी एक बहुत मशहूर सिंगापुरियन कंपनी है जो कि सरवाना जेरोम के नाम से जानी जाती है। चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल, सिविल हो या पेट्रोलियम, हबीब रफीक ने तमाम सेक्टर्स में बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें हाउसिंग स्कीम्स, फ्लाई ओवर्स, मोटरवेज और बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट, 1223 मेगावाट्स का पावर प्लांट बालू की, 1180 मेगावाट्स शेखुपुरा, 1320 मेगावाट्स बिन कासिम कराची, 743 मेगावाट्स गद्दू। इसके अलावा DHA इस्लामाबाद फेज़ 1 एक्सटेंशन, बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन, बहरिया टाउन गार्डन सिटी फेज़ 7, रॉयल आर्चर मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हबीब रफीक के प्रोजेक्ट्स हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके कहीं पहले हैं। अगले वीडियो में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के स्मार्ट फीचर से आपको आगाह करेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, कीप वॉचिंग विरासत एंड अल्लाह हाफिज़।